जी बताइए, आप उनकी मम्मी माता जी, आपको जब पहली बार पता चला कि बेटे का सिलेक्शन, कैसे लगा आपको, कैसे मतलब? मैं तो एकदम मतलब शौक मतलब हो गया था क्या, हाँ सिलेक्शन हो गया, हाँ सिलेक्शन हो गया, मतलब मैं एकदम चिल्लाने लगा। मैं बोली अरे बाप रे बाप, मतलब मैं इतना खुश थी, इतना खुश थी, मतलब जब सिलेक्शन हो गया तब बहुत आनंद आया। आईपीएल में हो गया है ये, बस ये बहुत मेहनत भी किया है, अभी रणजी ट्रॉफी में भी बहुत अच्छा किया है, दोनों मैच जो है जीता भी है, बहुत अच्छा किया। बचपन में कैसे थे, मतलब शरारत करते थे? हाँ थोड़ा शरारत तो था वो, हाँ थोड़ा बदमाशी करता था, तो ठीक है छोटा है वो तो करेगा ही। बचपन से खेल के प्रति कैसा रुझान था? हाँ उसको बचपन के प्रति शुरू से ही वो मतलब खेलने में उसको ध्यान था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, पढ़ाई भी करता था और खेलने में भी उसको पापा लेके जाते थे, खेल भी करता था, मैंने दोनों बैलेंस करके चलता था, मैंने अच्छा है। फिर स्कूल में भी जाके उसको जब दिल्ली में जब खेलने के लिए गए, नेशनल खेलने के लिए गए, तब मैं उसके पापा दोनों जाके प्रिंसिपल से छुट्टी लिया कि उसको जाना पड़ेगा ऐसा करके, मतलब दोनों हम दोनों पीछे मतलब उसको सहायता किए है। जी बताइए आप कब से उनको जानते थे और कैसे थे वो खेलने में पहले जैसे कहते थे? वो 10-12 साल का था तब से मैं उसको जान रहा हूँ और बहुत मेहनती लड़का था और मैच उसको बहुत इम्पोर्टेंस आता था कि मैच खेलने के लिए भैया सर हम लोग को मैचेस खिलाइए बुलाइए, मतलब मैच का बहुत दीवाना था वो। और आज जो मेहनत है वो मैच खेल खेल के बना है और प्रैक्टिस, और हम लोग हैं सुजीत सर हैं फ्लाइट से जो बताया इन्होंने कि जहाँ भी है उसको ऐसा मौका मिल जाए सुजीत सर हमारे लिए विकेट बनवा देना आप, तो सुजीत सर विकेट बनवाते थे, प्रैक्टिस कराते थे, मैं भी रहता था, भैया ये सर ये मेरा बैट ऐसा आ रहा है, मतलब हर चीज़ में उसको लगता था कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ मेरा अच्छा हो जाए और मैं बेस्ट दे के कहाँ अच्छे से अच्छा क्रिकेटर बन जाऊँ। और उसकी बहुत दिलो इच्छा थी और मेरा ये तो मानना है कि इसका 2 साल पहले भी उसका आईपीएल में हो जाना था, बहुत अच्छा परफार्मर है वो, इस साल भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और निश्चित तो रूप से वो अच्छी टीम पर वो गया है चेन्नई सुपर किंग्स में जहाँ पर धोनी है मेंटर हैं और उसके लिए बहुत अनुभव काम आएगा आगे के लिए। और जिस हिसाब से वो कर रहा है देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी उसके चांसेस हैं आने के, और मैं यही शुभकामना और हमारी जिला क्रिकेट एक से सर उसके लिए शुभकामना है और सोचेगी कि वो और अधिक से अधिक अच्छा खेले और आगे बढ़े, और उनके माँ बाप को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। अजय मंडल पिताजी, आज उनके पुत्र का शायद सिलेक्शन हुआ आईपीएल में, तो वो कैसे मतलब स्टूडेंट थे, कैसे खेलते थे वो? वो बहुत ही मेहनती, बहुत ही ड्यूटी और समय का बहुत पाबंद लड़का है, और हमेशा जब भी बड़े मैच खेल के आएगा तो भी जैसे सवेरे फ्लाइट से उतरा आया यहाँ शाम को सीधा ग्राउंड में दिखेगा वो, मतलब बहुत ज़्यादा ड्यूटी है, बहुत ज़्यादा मेहनती था, उसका उसी मेहनत का फल है आज वो आईपीएल में है। कब से आप जानते हो? मैं उसको, मेरे पास वो आया था हम लोग स्टेडियम में अंडर 14 से, नानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से खेल रहा है वो, अंडर 14, 16, 19 सब में बोर्ड खेला है वो, स्टेट रिप्रेजेंट किया उसने, उसके बाद 23 रिप्रेजेंट किया, फिर रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट कर रहा है आज की डेट में छत्तीसगढ़ का, और बहुत ही होनहार बच्चा है, बहुत ही टैलेंटेड है, ऑलराउंडर है। कौन कौन से स्टेट में खेलने गए, कहाँ कहाँ गए? वो लगभग पूरे इंडिया के सारे स्टेट में खेल चुका है वो, जहाँ जहाँ रणजी के मैचेज हुए हैं वहाँ वहाँ गई है वो, 23 के मैचेज हुए हैं, 19 के मैचेज हुए हैं, सब में उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, अभी हाल में 13 विकेट लिया है उसने। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे उसके उज्ज्वल भविष्य की? हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आगे बढ़े, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट के रोशन और का नाम रोशन करें, और हमारे आशीर्वादक श्री सुशील कोठारी जी और योगेश बागड़ी का सदैव हमारे सहयोग रहा है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेटर हमेशा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया है यहाँ पे बच्चों को, ऐसी प्रतिभाएँ और आगे आएंगी इससे। फिर स्टेट की टीम में आई, अंडर 14 खेले, सबसे आपको बताऊँ कि सबसे कम उम्र में अंडर 14 खेला है उन्होंने छत्तीसगढ़ से, और उसके बाद अंडर 16 खेला है, अंडर 16 में राज्य का प्रतिनिधित्व किया, कैप्टनशिप भी किया उन्होंने, अंडर 19 में भी कैप्टनशिप किया है, उसके बाद सीनियर खेले, धीरे धीरे ऐसे मैच दर मैच उसका परफॉर्मेंस होता गया अच्छा और खेलते गए आगे, और 2007 से पहला नेशनल गेम खेला था, जो पहला नेशनल खेला था अंडर 14 का दिल्ली में था, तो उस मतलब उसका
2008 में जब नेशनल खेल के आए, उसके बाद उसके ऊपर कोच लोगों का जो फोकस होता गया कि ये लड़का कुछ कर सकता है, अच्छा करेगा, तो उसके पीछे सब लोग मेहनत करना शुरू किए। मेन DCA के जो सिलेक्टर्स लोग हैं उसके पीछे देखते, उसको नज़र रखते थे, उसके बाद उसका कोच उनके पीछे पड़े थे। फिर RCA के जो कोच, वो परमानेंटली वहीं पर कोचिंग किए, दो तीन साल वहाँ कोचिंग किए RCA में, फिर वहाँ से DCA में किया। तो उसके बाद मैच दर मैच जैसे आपका CSCS के टीम में जैसे उनका पदार्पण हुआ, उसके बाद उसको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। वो यानी एक आप बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस खराब के कारण कभी टीम से बाहर नहीं रहा, उसने अपना परफॉर्मेंस बराबर रखा और हमेशा टीम में बने रहे। और लेकिन कॉपरेट किया, टीम के मेंबर्स हो गया, सिलेक्टर, कोच जो भी है, उन्होंने काफ़ी कॉपरेट किया इसको। आज जो उसका नतीजा है वो उनके मेहनत प्लस एक कोच और आपका जो सिलेक्टर्स है, इन लोग को क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने सही समय पर निखारा इनको और पहचाना।